सुंदर कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, संपाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघकर समस्त वानरों को जीवन दान देगा? वानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी की कार्य की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। फिर छाया ग्राहिणी सिंहनिका ने सिर उठाया। वो उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर उन्होंने लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की। लंका के अंतःपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत तथा अन्य राक्षसों के ग्रहों में जा जाकर तलाशी की। मद्यपान के स्थानों आदि में भी चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए तो वहां शिशंपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहां राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही थीं। हनुमान जी ने शिशंपा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीता से कह रहा था, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कर रही थीं। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी यही कहती थीं, तू रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए थे। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानर राज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गुड़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है, ये अंगूठी ले लो। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीता ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वे मुझे यहां से ले क्यों नहीं जाते? इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी से हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, देवी सीते, तुम यहां हो ये बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे ये समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस रावण को मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम चिंता न करो, मुझे कोई अपनी पहचान दो। तब सीता जी ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहां से ले चलें। उन्हें कौवे की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाया। आज यही रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमान जी ने कहा, कल्याणी तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आज ही तुम्हें श्री राम और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। सीता बोली, नहीं, रघुनाथ जी ही मुझे आकर ले जाएं। तदनंतर हनुमान जी ने रावण से मिलने की युक्ति सोच निकाली। उन्होंने रक्षकों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर 7 मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत ने आकर उन्हें नागपाश से बांध लिया और उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उससे मिलाया। उस समय रावण ने पूछा, तू कौन है? तब हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। तुम श्री सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्री राम के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा। ये सुनकर रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, किंतु विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी, पूंछ जल उठी। ये देख पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका को जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधिमुख आदि रक्षकों को परास्त करके मधुपान करने के अनंतर वे सब लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, सीता जी का दर्शन हो गया। श्री रामचंद्र जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी से पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, कपिवर तुम्हें सीता का दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? मैं विरह की आग में जल रहा हूं। तुम सीता की अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर हनुमान जी ने रघुनाथ जी से कहा, भगवान
मैं समुद्र लांघकर लंका में गया था। वहां सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जलाकर यहां आ रहा हूं। ये सीता जी की दी हुई चूड़ामणि लीजिए। आप शोक न करें, रावण का वध करने के पश्चात निश्चय ही आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी उस मणि को हाथ में ले विरह से व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने सीता को ही देख लिया। अब मुझे सीता के पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए। वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार किया था। विभीषण ने इतना ही कहा था कि भैया, आप सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। इसी अपराध के कारण उसने उन्हें ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उसे बींध डाला। अब समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान, नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बंधाकर आप लंका में जाइए। पूर्व काल में आप ही ने मुझे गहरा बनाया था। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिलाखंडों से एक पुल बंधवाया और उसी से वे वानरों सहित समुद्र के पार गए। वहां सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया। युद्ध कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, तदनंतर श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। ये सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने वानरों की सेना साथ ले युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैंद, दिविद, जाम्बवान, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, गधिमुख, गवय और गंधमादन, ये सब तो वहां आए ही, अन्य भी बहुत से वानर आ पहुंचे। इन असंख्य वानरों सहित कपिराज सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर नख, दांत एवं शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगणी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने वैरी धुमाक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे, तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ किया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुखित होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने हजार घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारे कहने से युद्ध करने जाता हूँ। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया, तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट लिए। नाक और कान से रहित होकर वह राक्षसों का भक्षण करने लगा। ये देख श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर कुंभ, निकुंभ, राक्षस मकराक्ष, महोदर, महापार्श, मत्त, राक्षस श्रेष्ठ, उन्मत्त, प्रघस, भाष्कर्ण, विरूपाक्ष, देवांतक, नतरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत, मेघनाथ ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांध लिया। उस समय हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी पर्वत को जहां से लाए थे वहीं उसे पुनः रखा है। इधर मेघनाथ निकुंभिला देवी के मंदिर में होम आदि करने लगा।
उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता जी को मार डालने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अविंध के मना करने से वो मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मातलीने ने आकर रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण का युद्ध श्री राम और रावण के युद्ध के ही समान था, उसकी कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। रावण वानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि वानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्षस्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया। उस समय मरने से बचे हुए सब राक्षसों के साथ रावण की अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सब को सांत्वना दे रावण के शव का दाह संस्कार किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इंद्रादि देवताओं ने उनका स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, श्री राम तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हो स्वर्गलोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। फिर सबको साथ ले सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता को प्रसन्न चित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदी ग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके क्रमशः कौशल्या, कैकई और सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेघ यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान दिए और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामादि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सब लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासन काल में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। उत्तर कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, जब रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो गए तब अगस्त आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए गए। वहां उनका भलीभांति स्वागत सत्कार हुआ। तदनंतर उन ऋषियों ने कहा, भगवन आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजीत जैसे राक्षस को मार गिराया। अब हम उनकी उत्पत्ति कथा बतलाते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलत्स हुए और पुलत्स से महर्षि विशर्वा का जन्म हुआ। उनकी दो पत्नियां थी, पुण्योत्कटा और कैकसी। उनमें पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थी, उसके गर्भ से धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। कैकसी के गर्भ से पहले रावण का जन्म हुआ जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थी। रावण ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया जिससे उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। कैकसी के दूसरे पुत्र का नाम कुंभकर्ण और तीसरे का विभीषण था। कुंभकर्ण सदा नींद में ही पड़ा रहता था, किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनों की बहन शूर्पणखा हुई। रावण से मेघनाथ का जन्म हुआ, उसने इंद्र को जीत लिया था, इसीलिए इंद्रजीत के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वो रावण से भी अधिक बलवान था, परंतु देवताओं आदि के कल्याण की इच्छा रखने वाले आपने लक्ष्मण के द्वारा उसका वध करा दिया। ऐसा कहकर वे अगस्त आदि ब्रह्मर्षि श्री रघुनाथ जी के द्वारा अभिनंदित हो अपने अपने आश्रम को चले गए। तदनंतर देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित श्री रामचंद्र जी के आदेश से शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर एक पुरी बसाई जो मथुरा नाम से प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात भरत ने श्री राम की आज्ञा पाकर सिंधु तीर निवासी शैलूष नामक बलोन्मत्त गंधर्व का तथा उसके 3 करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से संहार किया।
फिर उस देश के गांधार और मद्र दो विभाग करके उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्कर को स्थापित कर दिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले आए और वहां श्री रघुनाथ जी की आराधना करते हुए रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में संहार किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा भली भांति पालन किया। उन्होंने लोकापवाद के भय से अपनी धर्मपत्नी सीता को वन में छोड़ दिया था। वहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनके गर्भ से दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम कुश और लव थे। उनके उत्तम चरित्रों को सुनकर श्री रामचंद्र जी को भली भांति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात उन दोनों को कोसल के दो राज्यों पर अभिषिक्त करके मैं ब्रह्म हूँ इसकी भावना पूर्वक ध्यान योग में स्थित होकर उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से भाइयों और पूर्वासियों सहित अपने परम धाम में प्रवेश किया। अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीता के पुत्र कोसल जनपद के राजा हुए। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो इस प्रसंग को सुनता है वो स्वर्गलोक को जाता है।